हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिल्वी टाइम ग्राफर क्रोनो वॉच से परिचित कराने के लिए उत्साहित हैं। इसमें 3 क्रोनोग्राफ है, प्रत्येक को आपके टाइम ट्रैकिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं ये बताना चाहूंगा कि यह वीडियो सिल्वी की सभी टाइम ग्राफर वॉच के लिए उपयोगी है। आप डिस्प्ले पर सभी टाइम ग्राफर वॉच को देख सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि ये क्रोनो कैसे काम करते हैं। शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास आपकी सिल्वी टाइम ग्राफर वॉच और यूजर मैनुअल हाथ में है। यूजर मैनुअल आपको आपके वॉच मॉडल को समझने में हेल्प करेगा। सिल्वी टाइम ग्राफर में 3 क्रोनोग्राफ हैं, जिनमें से पहला है स्टॉप वॉच मिलीसेकंड क्रोनो, जो इस वॉच में स्टॉप वॉच मिलीसेकंड को नापता है। दूसरा मिनट क्रोनो है, जो स्टॉप वॉच में मिनट को नापने का कार्य करता है। अंत में इस वॉच में स्टॉप वॉच रेगुलर सेकंड क्रोनो भी है, जो स्टॉप वॉच में एक रेगुलर सेकंड हैंड के रूप में कार्य करता है। अब जब आपको सिल्वी टाइम ग्राफर वॉच पर उपलब्ध अद्भुत क्रोनो के बारे में पता चल गया है, चलिए बात करें उसे उपयोग करने वाले बटन्स के बारे में, जो उनका उपयोग बहुत ही सरल बनाते हैं। सिल्वी टाइम ग्राफर वॉच में एक क्राउन है, जो 3 पोजीशन ए, बी और सी पर सेट हो सकता है। ये पोजीशंस घड़ी के डायल पर एनालॉग समय को अपडेट करने के लिए यूज होते हैं। पोजीशन ए घड़ी की नॉर्मल पोजीशन है। क्राउन को पोजीशन बी पर सेट करने से आप तारीख को अपडेट कर सकते हैं, जिससे आपकी घड़ी हमेशा सटीक तारीख दिखाएगी। अगर आप घड़ी के एनालॉग समय को अपडेट करना चाहते हैं, तो क्राउन को पोजीशन सी पर सेट करें। सिल्वी टाइम ग्राफर वॉच में 2 बटन है। टॉप राइट बटन को प्रेस करने से स्टॉप वॉच को स्टार्ट या पॉज कर सकते हैं। सिल्वी टाइम ग्राफर वॉच के निचले बटन से स्टॉप वॉच को रिसेट किया जा सकता है। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप गाइड पर आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सेट डेट और टाइम। स्टेप 1, पहले क्राउन को पोजीशन बी तक खींचे। स्टेप 2, अब क्राउन को घुमाएं, सही तारीख आने पर रुक जाएं। स्टेप 3, तारीख सेट करने के बाद क्राउन को पोजीशन सी तक खींचें। इससे वॉच का एनालॉग टाइम सेटिंग एक्टिव हो जाएगा। स्टेप 4, अब क्राउन को घुमाएं और घड़ी के घंटे और मिनट की हैंड को सही समय पर सेट करें। स्टेप 5, अंत में क्राउन को पूरी तरह से पोजीशन ए में मिलाएं, जिसे नॉर्मल पोजीशन भी कहा जाता है। ये सुनिश्चित करेगा कि क्राउन सुरक्षित रूप से नॉर्मल स्थान पर है। हाउ टू यूज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को शुरू करने के लिए टॉप राइट बटन को एक बार दबाएं। स्टॉप वॉच का मिली सेकंड हैंड और सेकंड हैंड चलना शुरू हो जाएगा। मिली सेकंड हैंड एक चक्र कंप्लीट होने पर स्टॉप वॉच का सेकंड हैंड एक यूनिट आगे बढ़ेगा। सेकंड हैंड एक चक्र कंप्लीट होने पर स्टॉप वॉच का मिनट हैंड एक यूनिट आगे बढ़ेगा। स्टॉप वॉच को पॉज करने के लिए एक बार फिर से उसी बटन को दबाएं। इससे मिली सेकंड हैंड और मिनट हैंड तीनों रुक जाएंगे। स्टॉप वॉच को रीसेट करने और तीनों हैंड्स को जीरो पर लाने के लिए अपने सिल्वी टाइम ग्राफर वॉच पर बॉटम राइट बटन को एक बार दबाएं। दैट्स इट। वैसे स्टॉपवॉच अब रीसेट हो गया है और आपके अगले टाइमिंग सेशन के लिए तैयार है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा है कि यह ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और अब आप एक शानदार फीचर का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई और सवाल है या सहायता की आवश्यकता है, तो नीचे कमेंट करें। आपकी सहायता करने में हमें खुशी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और इस तरह के उपयोगी वॉच ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।